This is Marathwada in Maharashtra, the farm crisis central of India, pronounced the highest monsoon deficit region this year. The Kharif crop was devastated. The state was in the shadow of a third drought in 4 years. The economic repercussions, like every year, desperate. These heavy showers are like prayers answered, a harbinger of hope for the Rabi yield. Hope that has also come to the region with the Usha Silai program. It has committed to create livelihood opportunities for women so they are able to make a living from a non-farming avenue. मेरा नाम शुनंदा नागनाथराव कोपुरवार, मैं 30 साल की हूँ। मेरे दो बच्चे, 12 साल का लड़की है और 10 साल का लड़का है। मम्मी पापा भाई उनका अलग परिवार है। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ सर, मेरे माँ बाप की। अच्छा सब देख के, टीचर देख के मेरे पापा ने शादी करी। ऐसी शादी करी कि हमारे आस पास में ग्रामीण भाग में ऐसे किसी की शादी नहीं हुई सर, मेरी जैसी शादी। सब सामान जो वो बोले वो सामान दिए। फिर हमारा 1-2 साल अच्छा चला सर। फिर बाद में उन्होंने दारू पीना, मारान करना, मेरे चरित्र पे संशय लेना और 2-2, 3-3 दिन मेरे को भूखा रखना। मेरे बच्चों को मेरे को बाहर से क्लूप लगा के बाहर स्कूल को जाना, ऐसा 2-5-6 साल मैं सहती रही सर। फिर एक बार उन्होंने एक बार मेरे पे रॉकेल भी डाले, एक बार पॉइजन पिलाए। 2-3 बार है कि नहीं ऐसे आधे रास्ते में छोड़ दे, तू कहाँ भी चले जा, मेरे घर को मत आ बोल के। फिर मैं सब ऐसा करके बाद मेरे मम्मी पापा के पास आके हमारा मैं केस कोर्ट में केस डाले सर। खर्चा तो मम्मी पापा थे पहले देते थे सर, फिर बाद में मेरे को उषा सिलाई मशीन ने साथ दिया। उषा सिलाई मशीन मिली मेरे को जीवन में, एक अंधेरे में जैसे एक लड़की थी उसको एक ना एक दिया रोशनी दिखाई दी, वैसे मेरे को एक उषा सिलाई ने मेरे को बहुत हेल्प की सर। जब मेरे को मशीन मिली, जब मैं खुद मेरा में कमाने लगी सर। ब्लाउज सीते थी, फिर अच्छा सीने लगी। उन्होंने बोले बाबा दीदी हमारे बच्चों को तो पढ़ाओ तुम। फिर बोले अच्छा मैं भेज दो, मैं पढ़ाती। फिर उन्होंने उनके बच्चे आने लगे, फिर ऐसे मेरा नाम आगे बढ़ा सर। सब उनको मालूम हुआ कि दीदी सिखा रही, 30-35 लड़के को सिखा चुके सर। बस के लोग आते और स्टूडेंट भी आते सीखने के लिए, सवेरे 11 बजे आते उन्हें, दोवाड़े पहुँचे जाते सर। अब शादी में कुछ फंक्शन वगैरह रहे तो आते सर ऑर्डर। सात साल से शुनंदा से जानती हूँ, शादी के बाद हम मिले उनको। वो उनके बारे में जानकर हमें बहुत पहले बुरा लगा, लेकिन जब से उसने उषा मशीन के साथ रिश्ता बनाया तब से हम थोड़ा उसे देखकर थोड़ा खुश हो गए। जब से सिलाई सीखने आए तब से हमारे भी लाइफ में बदल आया। अभी मम्मी पापा को मैं ऐसा कुछ मांगती नहीं, अभी मेरे को पापा ये होना, मम्मी ये होना। अब मेरे हाथ में पैसा है, मैं कुछ भी मेरे बच्चे को होना, बैग होना, शूज़ होना, मैं लेके देती सर। पहले मेरी मम्मी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है और रहेगी भी सर अच्छी।
out of Aurangabad, we cross the silk weaving centers of Paithan, a special weave that uses the ancient technique of tapestry. Paithani was born 200 years before Christ during the rule of the Satvahanas. Over the centuries, it found more patrons, Mughals, Nizams, Peshwas, and they too left their influence on colors and motifs. Today, it's essentially a mulberry silk and zari weave. But the tapestry makes each sari unique, and many fine pieces are proud family heirlooms. श्रीमती गौरी चंद्रशेखर जीवने और मेरी उम्र है 45 साल की। मैं रहती हूँ चंदन नगर नागपुर में। मेरे हस्बैंड को 10 साल हो गया गुजरने को। शादी तक मेरा 12th हुआ था। शादी के बाद मैंने नागपुर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ने में बहुत मदद की थी। लगभग 10 साल मैंने सोसाइटी में काम किया है। सोसाइटी छोड़ने के बाद में मैं एक टेलर के पास में कुछ सालों तक काम करी। टेलर के मैं कपड़े लेकर आती थी और मैं घर में कपड़े सिलती थी या मैं टेलर की दुकान में जाकर के भी कपड़े सिलती थी जैसे जमता था। और मेरे बच्चों की पढ़ाई का भी था तो मैं ज़्यादा टाइम, मेरी बेटी बड़ी होने लगी थी जैसे 10th में आ गई थी, तो फिर मैं घर में ही कपड़े लाकर सिलने का काम शुरू करी थी। मुझे सिलाई में बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और सिलाई का काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। ऑफिस का काम छोड़ने के बाद मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि दूसरों का काम करना ही नहीं। मैं कटिंग जानती हूँ लेकिन छोटे छोटे डाउट्स मेरे हमेशा रहते हैं। तो मैंने 7 दिन का वहाँ पे ट्रेनिंग किया। ताजने सर ने हमको 7 दिन क्लासेस पढ़ाए थे। उषा की तरफ से प्रोग्राम था, उन्होंने बताया। 7वें दिन उन्होंने हमको फिर उषा की सिलाई मशीन दी थी ये बोलकर कि आपको 20 लड़कियों को ट्रेन करना है। अभी इस टाइम मेरे पास में 8 महिलाएं हैं, जिसमें से 5 रेगुलर हैं, 3 नई स्टूडेंट हैं। तो अभी जैसे मैंने एक मेरी बेटी के लिए लाचा सिला था, जिसको देख करके मुझे इसके बहुत ऑर्डर मिले। ये ऐसे में इसको डिजाइन करके पुराने मटेरियल को नए मटेरियल में चेंज करके देती हूँ। हाँ, अभी मेरे ड्रेसेस देख करके मेरे कस्टमर जो है वो बढ़ गए। काफी लोगों को एरिया में मालूम हो गया है कि ये दीदी यहाँ कपड़े सिलती है और डिजाइनर कपड़े सिलकर देती है। वो आते हैं अलग अलग तरह के कपड़े ब्लाउज मेरे से सिलवाते हैं। हर चीज को एंजॉय करते हैं और एक विश्वास के साथ एंजॉय करते हैं कि हमारा सब अच्छा ही होने वाला है। हमको बहुत यकीन हो गया है अभी।